आप चाहे तो ब्रांडेड कपड़े पहन ले, महंगी से महंगी घड़ी ज्वेलरी पहन ले, या फिर दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा ले या घूम ले, आखिर में आपको घूम फिर कर घर के खाने की ही याद आती है। अक्सर ये देखा गया है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या काम के कारण ऑफिस में होते हैं, हमें अपनी हेल्थ और पेट की भूख शांत करने के लिए घर का खाना ही पसंद आता है और ये हर हिंदुस्तानी के साथ होता है। ऐसे में इस समस्या को देखते हुए वेंकटेश अय्यर और शिवदास मेनन ने इसके समाधान का उपाय निकाला। आज के समय में इनका कारोबार 100 से अधिक शहरों में फैल चुका है, जो कि अपने आप में इनके बिजनेस आइडिया को दर्शाता है, साथ ही इनकी कामयाबी को भी बताता है। अपनी आइडिया के बारे में बात करते हुए वेंकटेश अय्यर बताते हैं कि एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था, तब मैंने वीटी स्टेशन के बाहर एक 40 फीट बड़ा मैकडॉनल्ड्स का बैनर लगा देखा। बैनर के नीचे ही वड़ा पाव का एक ठेला खड़ा था। मैं उसके पास गया और वड़ा पाव खरीदा। वड़ा पाव और बर्गर दोनों कई मायनों में एक से थे, परंतु एक बहुत ही बड़ा ब्रांड था और एक अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इससे वेंकटेश के मन में इस बिजनेस को करने का आइडिया आया और इसी आइडिया से गोली वड़ा पाव बिजनेस का शुभारंभ हुआ। साथ ही इस कारोबार में सफल होने के आसार भी दिखे। वेंकटेश अय्यर बताते हैं कि उन्हें शुरू में इस बिजनेस को करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। इसका नाम गोली इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें मुंबईया तड़का था, जो इसे एक स्थानीय स्वाद दे रहा था। गोली वड़ा पाव बिजनेस की शुरुआत। गोली वड़ा पाव की पहली शॉप साल 2004 में कल्याण में खोली गई थी, जो कि तुरंत पॉपुलर हो गई। लोगों ने वेंकटेश और शिवदास को इसकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए संपर्क किया और इस तरह बहुत ही कम समय में 15 और आउटलेट खुल गए। वड़ा पाव मुंबई का सबसे पसंद किए जाने वाला फास्ट फूड है। इसके लिए ना तो प्लेट की आवश्यकता पड़ती है और ना ही स्पून की। वड़ा पाव की खासियत यह है कि आपको मुंबई जैसे शहरों में इसके प्रचार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में पॉपुलर है। वेंकटेश अय्यर बताते हैं कि इस बिजनेस को करने में ऐसा नहीं है कि बस मुनाफा ही मुनाफा हुआ, शुरुआत में इन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा। वो बताते हैं कि एक दिन में हमने 3000 वड़ा बना लिए और बिके केवल 2500, तो ऐसे में 500 वड़ा तो खराब हो गए। साथ ही इसमें ये भी फैक्टर रहता है कि कर्मचारी कितना खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चुरा रहा हो, आदि समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ा है, जिसके चलते शुरुआत में काफी नुकसान झेलना पड़ा। फिर एक दोस्त के सुझाव से वेंकटेश अय्यर और शिवदास ने एक विस्टा फूड से अप्रोच किया। विस्टा फूड एक भारतीय कंपनी है जो बहुत सारे फूड चेन के साथ काम करती है। उन्हें इस बिजनेस की मॉडल पसंद आया और उन्होंने बैक एंड पार्टनरशिप की पेशकश की। इसके तहत वड़ा विस्टा फूड से बनकर आएगा और बिना किसी आदमी की मदद से ये वड़ा मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरे मशीन से गुजर कर बहुत ही उच्च स्तर का फूड ग्राहकों तक पहुँचाया जाएगा। विस्टा फूड से बने वड़ा की शेल्फ लाइफ लगभग 9 महीने की होती है। कोई भी भारतीय फास्ट फूड बिजनेस में इस तरह मानकीकरण नहीं किया जाता। ये सब बदलाव के बाद ग्राहकों का विश्वास दिनों दिन बढ़ता गया और गोली वड़ा पाव एक बड़े ब्रांड और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के रूप में अपनी पहचान बना सका। गोली वड़ा पाव से प्रभावित होकर 2011 में चेन्नई के एक बिजनेसमैन ने वेंकटेश अय्यर और शिवदास की कंपनी में 21 करोड़ का निवेश किया और गोली को ये अवसर दिया गया ये अपनी कंपनी की बहुत सी शाखाएं देश के हर हिस्से में खोल सके। आज के समय में गोली वड़ा पाव देश के 15 स्टेट्स के 100 शहरों में फैला हुआ है और इसके 300 आउटलेट्स हैं। ये अपने ग्राहकों को बहुत सारे फ्लेवर्स के वड़ा पाव जैसे क्लासिक, समोसा, शेजवान, पालक और कॉर्न आदि प्रदान करते हैं। गोली वड़ा पाव का एक बिजनेस आइडिया, जिसके फलस्वरूप कल्याण में एक अकेले शॉप से आज गोली वड़ा पाव का सालाना टर्नओवर लगभग 55 करोड़ हो गया है। वेंकटेश और शिवदास दोनों इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में उनका टर्नओवर 200 करोड़ तक पहुंच जाए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।